जिस तरह के मैंने आपको बताया कि इससे पहले जो कि वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए जो कि इसका ऑल व्हील ड्राइव का रिव्यू लेके आया था, तो आज के रिव्यू के अंदर जो कि मैं इसका फ्रंट व्हील ड्राइव जो कि वेरिएंट है इसका रिव्यू लेके आऊँगा। फ्रंट के अंदर अगर मैं इस गाड़ी के अंदर आपको दिखाऊँ तो इसके अंदर जो मेजर चेंजिंग आपको नजर आएंगे इसकी हेडलाइट्स की आएंगी। तो जिस तरह के यहाँ पे ये आपको इंडिकेटर का ऑप्शन मिलेगा और यही आपको DRL का ऑप्शन मिल जाता है। जिस तरह ये देख सकते हैं आपको इसकी हेडलाइट के अंदर आपको जो कि LED इंस्टॉल किए मिलते हैं, और जो दूसरी गाड़ी है जो कि ऑल व्हील ड्राइव है उसके अंदर आपको प्रोजेक्टर का जो कि इस्तेमाल किया हुआ मिल जाएगा। उसके अलावा जो कि फ्रंट लाइट जो कि इसके DRL है वो सेम है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर हेडलाइट्स का फ़र्क है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है। और इसके अंदर जो कि जिस तरह फ्रंट व्हील ड्राइव है इसके अंदर एक मैं आपको और चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपको जो कि फ्रंट कैमरे का ऑप्शन नहीं मिलता, जो कि ऑल व्हील ड्राइव वेरियंट है उसके अंदर आपको फ्रंट जो कि कैमरे का ऑप्शन मिल जाता है। फ्रंट लुक वैसे इनकी टोटल सेम है, सिर्फ जो कि इसकी हेडलाइट है और इसका जो कि फ्रंट कैम है इसकी थोड़ी सी चेंजिंग है। उसके अलावा अगर इसके फ्रंट का जो कि डिफ्यूज़र बम्पर है इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर इस गाड़ी के अंदर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो जहाँ तक इसके अंदर फ्रंट के अंदर चेंजिंग है वो सिर्फ कैमरे की है और हेडलाइट की है। फ्रंट के अंदर अगर आप इसका बोनट भी देखें और इसका भी देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई चेंजिंग है। तो जहाँ तक इसकी साइड प्रोफाइल की बात कर लें तो साइड प्रोफाइल के अंदर भी आप देख सकते हैं इसके जो कि अलॉय व्हील हैं ये भी आपको जो कि AWD और FWD दोनों के सेम मिलते हैं, क्योंकि ये मेरे लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो ये AWD है और ये FWD है। उसके अलावा इसके अंदर जो कि टायर साइज़ यूज़ किया गया वो भी 19 का किया गया, जिस तरह के आपने देखा होगा कि जो कि दूसरी है ऑल व्हील ड्राइव उसके अंदर भी 19 का ही साइज़ यूज़ किया गया। और उसके अलावा जहाँ तक इसके जो कि बैक व्यू मिरर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको जो कि LED इंस्टॉल की मिल जाएगी, और उसके अलावा आपको जो रिट्रैक्टेबल में मिल जाएंगे। इसके अलावा इस चीज़ जो कि फ्रंट व्हील है इसके अंदर आपको जो कि 360 कैमरे जो इसके अंदर वो आपको नहीं मिलते, वो सिर्फ आपको मिलते हैं ऑल व्हील ड्राइव जो कि इसका वेरियंट है उसके अंदर। और इसके अलावा जहाँ तक इसका जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव वेरियंट है इसके अंदर आप देख सकते हैं जो कि इसके डोर हैंडल्स हैं, यहाँ पर आपको जो कि दूसरे वाला वेरियंट है उसके अंदर आपको यहाँ क्रोम की स्ट्रिप मिलती है, मगर इसके अंदर आपको क्रोम की स्ट्रिप नहीं मिलती, बाकी फिंगरप्रिंट का ऑप्शन यहाँ भी आपको मिलता है। उसके अलावा रूफ हिल्स दोनों वेरिएंट में आपको मिल जाता है। और उसके अलावा जो कि इसके विंडोज़ हैं, इसके अलावा जो कि आउटलाइन है इसकी जो कि क्रोम स्ट्रिप्स की, ये आपको सारे जो कि टोटल विंडो इसके गिर मिल जाती है। उसके अलावा अगर इसके रियर डोर की जो हैंडल बात कर लें इनकी भी, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आपको सिर्फ ये बॉडी टोनर मिलते हैं। अगर आपको दिखा दूँ तो मैं साथ भी यहाँ पर दूसरा वेरियंट भी खड़ा है, तो ये देख सकते हैं ये दूसरा वेरियंट है ऑल व्हील ड्राइव और ये जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव वेरियंट है। उसके अलावा अगर इसकी बैक प्रोफाइल पर चलें तो बैक प्रोफाइल के अंदर भी आप देखें तो यहाँ पे आपको जो कि स्पॉइलर मिलता है दोनों वेरिएंट के अंदर आपको सेम जो कि इसका स्पॉइलर मिलता है, शार्क फिन एंटीना भी आपको सेम मिलता है देख सकते हैं, वो इसके अंदर दोनों चीज़ें इंस्टॉल की गई हैं। उसके अलावा बैक वाइपर भी आपको मिलता है। उसके अलावा जो एक मैं आपको मेजर चीज़ बताऊँ, यहाँ पर देखें आपको हाइब्रिड लिखा हुआ मिलता है और वहाँ पर जो कि हाइब्रिड के साथ एस्ट्रैक लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके अलावा बैक लाइट्स में भी इसके अंदर उसके अंदर कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, अगर आप देखें तो इसकी बैक लाइट्स भी सेम है इसकी और जो ऑल व्हील ड्राइव है उसकी भी। उसके अलावा अगर इसके रेयर डिफ्यूज़र बम्पर के अंदर देखें तो यहाँ पे आपको टोटल जो कि रिफ्लेक्टर में मिल जाती है, और जो कि रेयर डिफ्यूज़र बम्पर है ये आपको पूरी जगह जिस तरह शो तो इस तरह हो रहा है कि जिस तरह क्रोम है, मगर क्रोम ही प्लास्टिक में। और इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ कि इस वेरियंट के अंदर ये देख सकते हैं आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता, ये आपको खुद ही खोलना पड़ता है, और यहाँ पे ना ही आपको इसके अंदर कोई बटन मिलेगा कि जिसकी वजह से आप बटन प्रेस करेंगे तो दोबारा बंद हो जाएगा, ये मैन्युअली आपको यहाँ से पकड़ के दोबारा बंद करना पड़ेगा। उससे पहले अगर मैं इसकी जो कि बूट है बूट के अंदर भी मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इसके जो कि जैक वगैरह जो छोटी मोटी किट इसकी आपको पहले से मिल जाती है, तो मैन्युअली इसको आपने बंद करना है। जो कि दूसरा है उसके अंदर आपको बटन मिल जाता है। डोर जिस तरह के जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव का जो कि डोर है और जिस तरह का मैंने आपको पहले दिखाया था वो फोर व्हील का डोर था, इसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी चेंजिंग एक चीज़ और दिखा दूँ कि जो कि ऑल व्हील ड्राइव है उसके अंदर यहाँ पे आपको जो कि रेयर डोर हैं वो आपको चिल्ड्रन लॉक के साथ मिलते हैं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये आपको विंडो लॉक का ऑप्शन मिलता है। और इसके अलावा एक और ऑप्शन है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर उसके मेमरी शीट्स के बटन हैं, मगर इसके अंदर वो मेमरी शीट्स के बटन नहीं हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह के आपको डोर की जो कि लाइट्स है वो मिल जाती हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं जो कि स्पीकर का निशान है, मगर यहाँ स्पीकर नहीं है क्योंकि स्पीकर सिर्फ और सिर्फ इसके जो कि दूसरे वाले वेरिएंट है उसके अंदर फ्रंट के अंदर आपको इंस्टॉल किए हुए मिल जाएंगे। इंटीरियर की बात कर लें तो इंटीरियर के अंदर आप देख सकते हैं इंटीरियर आपको सेम मिलेगा, जिस तरह के आपको इसके स्टेयरिंग व्हील के अंदर आपको क्रूज़ कंट्रोल के ऑप्शन, पैडल शिफ्टर के ऑप्शन, और उसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पर एयरबैग का ऑप्शन ये भी मिल जाता है आपको, जिस तरह भी इसके मल्टीमीडिया कंट्रोल के ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो कि जो ऑल व्हील ड्राइव का वेरिएंट है उसके अंदर यहाँ पे आपको जो कि बटन मिलता है इसके बूट ओपनर का मिल जाता है, मगर इसके अंदर बूट ओपनर का ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो कि इसकी इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिल जाती है। सेंट्रल यूनिट की बात कर लें तो सेंट्रल यूनिट के अंदर आपको जो कि LCD का डिस्प्ले है वो आपको सेम
मिलता है। उसके अलावा यहाँ नीचे देखें क्लाइमेट कंट्रोल, उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्लाइमेट कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ PR&D आपको सिंपल। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे इसके जो कि ड्राइव मोड हैं, यहाँ पे वो आपको ड्राइव मोड नहीं मिलते जो आपने, अगर आपने मेरी दूसरी पीछे वाली वीडियो देखी हो तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि इसके अंदर इको मड और मतलब स्पोर्ट्स और काफ़ी सारे जो कि वेरियंट है वो आपको यहाँ पे इसके अंदर डिस्प्ले भी होते हैं बाकायदा, और बड़ी खूबसूरती के साथ आप देखेंगे तो उसको नज़र भी आता है। तो 360 व्यू का आपको यहाँ पे बटन तो दिया हुआ है, उसके अलावा अंदर जो कि हीटेड स्टेयरिंग मिलते हैं आपको यहाँ पे। अगर मैं आपको इसके दिखाऊँ, यहाँ पे आपको जो कि सेंट्रल यूनिट के अंदर आपको USB पोर्ट मिलती है, साथ ही अगर आप देखें तो जो इसका आर्मरेस्ट का है ये सेम जो कि ऑल व्हील ड्राइव की तरह ही है। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं ये भी आपको लाइट जिस तरह के ऑल व्हील ड्राइव के अंदर मिलती है, यहाँ पे भी आपको सेम ही मिलती है। उसके अलावा पैनारोमिक सनरूफ की जहाँ तक बात कर लें तो पैनारोमिक सनरूफ देख सकते हैं आपको दोनों वेरिएंट में मिलता है, ये देख सकते हैं पैनारोमिक सनरूफ इन दोनों वेरिएंट के अंदर है। सेकंड रो इसकी ज़रा थोड़ी सी इजीली है और थर्ड रो में जाना थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे तो ये मेरे ख्याल में थर्ड रो के लिए बनाई गई है कि मतलब SUV है, मगर फिर भी इसकी मेरे ख्याल के थर्ड रो कम्फर्टेबल है। उसके अलावा यहाँ देख सकते हैं आपको फ्रंट कैबिन की लाइट्स मिल जाती हैं, और इसके अलावा ये इसके जितने भी ऑप्शन है इसके सनरूफ के पैनारोमिक के वो आपको इधर ही मिल जाते हैं। ये रही जो इसका फ्रंट का बोनेट है, बोनेट के अंदर आप देख सकते हैं दोनों आपको जो कि हाइड्रोलिक में मिल जाते हैं दोनों वेरिएंट, वो वाला जो कि ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है वो भी आपको हाइड्रोलिक के साथ मिलता है, और ये आपको जो कि दूसरा सिंपल वाला वेरिएंट है जो कि फ्रंट भी लगे भी आपको हाइड्रोलिक में मिलता है। उसके अलावा ये इसके इंजन की देख सकते हैं आप, मेरे ख्याल में इंजन के डिज़ाइन वगैरह दोनों सेम ही है, और अगर आप साइड प्रोफाइल यहाँ से देखें तो ये आपको कुछ इस तरह की दिखाई देती है।